लोकसभाकरण अंतिम दौर में पहुंच गया। आखिरी लड़ाई के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। सातवें चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है। इस चरण में 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अलग अलग राज्यों की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों के लिए 328 उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं, यूपी में 13 सीटों पर। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जैसा कि उनके संबंध में जो जानकारी पहले ही आ गई थी, INS 24 तस्वीरें पूरी चुनाव प्रचार में जिस तरह से उन्होंने सभाएं की हैं, रिकॉर्ड बनाया है सभाओं का, जैसे अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, उन सब के बाद अब वो ध्यान लगाएंगे। चाहे 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो या अब 2024 की बात हो, जब सभी चरणों का चुनाव खत्म होता है तो प्रधानमंत्री इसी तरह जाते हैं और अध्यात्म में अपने आप को कुछ इसी तरह से इन्वॉल्व करते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर तब। हालांकि वो जिस तरह से ध्यान लगाएंगे इसे लेकर, माफ कीजिए, कई तरह की विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरह तमाम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री अपने अध्यात्म प्रेम को दिखाते आए हैं। इसमें आपको बता दें कि चूंकि कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अम्बन मंदिर में दर्शन पूजन और उसके बाद उसी शिला पर जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्यान करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही वो कन्याकुमारी पहुंचे, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भगवती देवी अम्बन मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर भी जिसे कहा जाता है, दर्शन पूजन, उसके बाद विवेकानंद शिला पर जाकर 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। ये भी जानकारी है कि फिर पीएम ध्यान के बाद 1 जून की शाम तक दिल्ली भी रवाना हो सकते हैं। इधर विपक्षी जो हैं वो कई तरह के तंज तो कसी रहे हैं, साथ ही साथ ममता दीदी ने कहा कि यदि उनका ये ध्यान लगाते हुए फोटो वीडियो टेलीकास्ट होता है तो वो इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगी। ममता दीदी ने कहा कि ध्यान नितांत एकांत की बात है, तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसे यदि टीवी पर दिखाया जाता है तो फिर ये प्रायोजित है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जहां पर अम्बन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी से के समुद्र तट पर टापू पर बना हुआ है दरअसल, और ये टापू 500 मीटर की दूरी पर है जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जहां पर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से हाई प्रोफाइल सीट, चूंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव मैदान में हैं, और इसके अलावा वो तमाम बड़े, चाहे अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए मंत्री, या कुंदन रनौत की बात कर लीजिए, बिहार में पाटलिपुत्र सीट की बात कर लीजिए, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, यहाँ ये तमाम जो सीटें हैं ये महत्वपूर्ण हैं। 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।